नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। जलालाबाद के निकट एक व्यक्ति को अचानक मारी गोली, देखें ये रिपोर्ट। जलालाबाद में निकट गौरी शंकर मंदिर के पास अश्विनी किराना स्टोर के पास चिंटू गुप्ता ने अनु गुप्ता पुत्र गंगाराम गुप्ता उम्र 45 वर्ष निवासी मोहल्ला गांधीनगर को शाम करीब 9 बजे अश्विनी की दुकान के पास अचानक अनु को गोली मार दी। गोली अनु के हाथ में लगी और वह आर पार हो गई। गोली लगने की खबर सुनते ही मौके पर पहुंचे जलालाबाद कोतवाल हरेंद्र सिंह व क्षेत्र अधिकारी शिव प्रसाद दुबे ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की और अनु गुप्ता को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने अनु को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाढ़ प्रभावित ग्रामों में एसपी और डीएम ने किया निरीक्षण, देखें ये रिपोर्ट। जनता के दिलों पर राज करने वाले जिला अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कलान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने तहसील कलान के ग्राम पहरुआ मई खुर्दा कला में परोर में निरीक्षण किया और पाया कि रामगंगा नदी के पास स्थित ग्राम पहरुआ में के प्राथमिक विद्यालय का बाढ़ से ढहने की संभावना के मद्देनजर जिला अधिकारी विद्यालय को निष्प्रयोज्य घोषित करके बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि ताकि बच्चों को पढ़ाने के लिए सुरक्षित स्थान पर बैठाने की व्यवस्था की जाए। जिला अधिकारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित ग्रामों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर पैनी नजर रखें, किसी भी ग्रामीण की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की समस्या का समाधान करें। समय समय पर क्षेत्रीय अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पूरी निगरानी रखें। यदि किसी ग्राम को अप्रिय घटना घटती है या बाढ़ की अधिक सूचना से प्रभावी होता है और कार्रवाई नहीं की जा सकती तो क्षेत्रीय अधिकारी को पूर्णतः उत्तरदायी होगा। तो ये तो दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ, देख रही यूएफटी न्यूज 24। धन्यवाद।